नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट पर। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में आगे क्या माहौल बन सकता है, कितनी तेजी बन सकती है, इसके बारे में बात करेंगे हम। जनवरी की बात करेंगे किसान साथियों, यानी कि अमेरिका में सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है किसान साथियों। वहीं सोयाबीन की तेजी के साथ साथ मक्का गेहूँ की फसल में भी हमें अच्छी खासी तेजी यानी कि विदेशों में बनी हुई है, अमेरिका में बनी हुई है। वहीं बात करें हम, अमेरिका में सोयाबीन की सप्लाई काफ़ी कम बताई जा रही है और निर्यात में भी कमी या गिरावट हमें देखने को मिल रही है किसान साथियों अमेरिका में। किसान साथियों, मैंने आपको बताया है कि जो अपना भारत देश है वो लगभग 55% तक आयात यानी कि जो सोयाबीन तेल है या ऑयल का आयात, जो यानी खाद्य तेलों का जो आयात है किसान साथियों विदेशों से करता है लगभग 55% तक। पूर्णतः अपना भारत देश अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बनाए, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। इसी वजह से यानी कि जो भारत की जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभी तक यानी कि 55% खाद्य तेलों का आयात अपना भारत देश विदेशों से करता है अभी तक। वहीं बात करें किसान साथियों यानी कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की, वहाँ पर मौसम की सोयाबीन के अनुसार नहीं होने की वजह से यानी कि मौसम सोयाबीन के विपरीत होने की वजह से यानी कि इस साल वहाँ पर अर्जेंटीना और ब्राज़ील में यानी कि सोयाबीन का उत्पादन कम रहने का अनुमान है। अगर वहाँ पर उत्पादन कम रहा तो यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि निर्यात में कमी देखने को मिलेगी हमें, और निर्यात में कमी देखने को मिलेगी तो जो अपना जो देश का सोयाबीन है उसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और वहाँ पर अभी फ़िलहाल गर्मी और सूखे जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है किसान साथियों। वहीं बात करें किसान साथियों, आपने 2021 में देखा था कि यानी कि NCDX 2021 में जो सोयाबीन पर यानी कि 6200 पर क्लोजिंग का जो एक बैन लगा दिया था यानी कि एक साल के लिए बैन लगा दिया था, उसके बावजूद भी सोयाबीन में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। उस समय जब NCDX में बैन लगा था उस समय हालांकि हमें गिरावट देखने को मिली थी, परंतु उसके थोड़े दिन बाद ही सोयाबीन के मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है किसान साथियों। इसका मेन कारण ये है कि अपना जो यानी कि NCDX में बैन लगाने से कुछ नहीं होगा किसान साथियों, क्योंकि अपना देश जो भारत है वो पूर्णतया 55% खाद्य तेलों के मामले में यानी कि विदेशों पर निर्भर है। इसी वजह से यानी कि सोयाबीन के भाव हमें अभी भी अच्छे खासे तेज देखने को मिल रहे हैं। लगभग 6800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में हमें सोयाबीन का मार्केट देखने को मिल रहा है किसान साथियों। ये थी किसान साथियों आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।